नमाज में किसी का उठना या बैठना, जोड़ों को घुमा लेना अलग अलग तरीकों से, ये तो इबादत नहीं अल्लाह के यहाँ। भाई उठना बैठना हरकतें करना तो कोई इबादत नहीं है, जब तक उस इबादत के पीछे एक खुलूस और लिल्लाहियत वाली नीयत ना हो। भाई आदमी खड़ा हो तो खड़ा होना कोई इबादत नहीं है, लेकिन आप नमाज में हाथ बांध करके खड़े होते हैं तो ये इबादत क्यों बनता है? कि यहाँ वो खुलूस वो लिल्लाहियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, वो अजमत आपके दिल में कि आप खड़े हैं तो आप इस नीयत से खड़े हैं सर झुकाए हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी कमजोरी का, अपनी बेबसी का, अपनी बंदगी का, अपनी बेबसी का और लाचारी का एतराफ कर रहे हैं, अल्लाह की अजमत का एतराफ कर रहे हैं, सर झुकाए खड़े हुए अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, आपने सर झुकाया हुआ है, तो ये आपका खड़ा होना इबादत हो जाता है। आप रुकू में सर झुकाते तो सर झुकाने वाले तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये आपका सर झुकाना अल्लाह को ऐसा महबूब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सजदे में अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। ये सर का टेक देना क्यों इबादत बन जाता है? कि यहाँ अपने सर को जो हमारे जिस्म में अजमत की निशानी है अल्लाह के सामने झुका करके दिल में इस बात का एतराफ़ कर रहे होते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू अजीम है, हम हकीर व फकीर हैं, तू गनी है, हम अपनी जिस्म का सबसे आला हिस्सा तेरे सामने झुका करके अपनी बेबसी का, अपनी कमज़ोरी का, अपनी लाचारी का, अपने फ़क्र का, अपने एहतियाज का एतराफ़ कर रहे हैं, तेरी अजमत का, तेरी बुजुर्गी का, तेरी किबरियाई और बड़ाई का एतराफ कर रहे हैं, तो ये सर झुकाना इबादत बन जाता है, अजीम तरीन इबादत बन जाता है।